देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भारत में लोकतंत्र का त्योहार यानी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। चुनावी रणभूमि में हर नेता अपनी बाजी लगाए हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके 2 मुख्य सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। वहीं कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो वो 543 है। इनमें से 524 सीटें राज्यों की हैं, जबकि 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं देश के उन राज्यों के बारे में जहां लोकसभा सीटें सबसे कम है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। देश के वो राज्य जहां सबसे कम लोकसभा सीट है, उनमें पहले नंबर पर आता है पूर्वी सिक्किम। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस राज्य में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है जो कि अनारक्षित है। अगर हम बात यहां के समीकरण की करें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत हासिल की थी और साल 2019 में इस सीट से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की थी। वहीं बात करें बीजेपी की तो वो तीसरे स्थान पर आई थी। साल 1996 से लेकर 2014 तक सिक्किम सीट पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी जीत हासिल करती आई है। इस सीट से चुनाव लड़ने वाली कुछ मरकजी पार्टियां सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बीजेपी और कांग्रेस है। कांग्रेस ने सिक्किम सीट से गोपाल छेत्री को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने दिनेश चंद नेपाल को उम्मीदवार बना है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने इस सीट के लिए मौजूदा सांसद इंद्र हेंगा को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2019 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेमदास राय को मात देकर राज्य में लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद सबसे कम लोकसभा सीट वाले राज्यों में शुमार होता है नागालैंड का। यहाँ भी सिर्फ 1 लोकसभा सीट है और ये भी अनारक्षित है। इस सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट से साल 2014 में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जीत हुई थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी। वहीं साल 2019 पर भी इस सीट पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने जीत दर्ज कराई थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर ही आई थी। इस सीट से नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने डॉक्टर चुम्बेन मरी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सुपोंग मेरेंग जमीर को मैदान में उतारा है। वहीं देश की सबसे कम लोकसभा सीट वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर मिजोरम आता है। यहाँ सिर्फ 1 लोकसभा सीट है जो कि एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस लोकसभा सीट पर हमेशा से निर्दलीय ही मतदाताओं की पहली पसंद रहे। निर्दलीय के बाद यहाँ की आवाम कांग्रेस को तरजीह देती आई है। लोकसभा सीट बनने के बाद से लगातार कांग्रेस का ही सीट पर दबदबा रहा है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आने लगी है। इस सीट से साल 2019 में मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की, तो वहीं साल 2024 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की। बीजेपी ने वनलाल हमुआका को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने लाल बिकी अजमा को मैदान में उतारा है। तो वहीं एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट ने के वनलाल वेना को मैदान में उतारा है। इसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज।